दोस्तों जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार साउथ फिल्मों में बड़ा नाम थे। अब शाहरुख खान की फिल्म ने उन्हें पूरे देश में फेमस कर दिया है। बेहतरीन करियर ट्रैक रखने वाले एटली कुमार की अब तक सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। एटली कुमार ने 2013 में साउथ की एक छोटी फिल्म राजा रानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एटली की सारी फिल्में सुपरहिट रही थी। एटली कुमार अपने प्रोफेशनल करियर के साथ असल जिंदगी में भी हीरो हैं। बता दें कि एटली कुमार ने एक्ट्रेस कृष्णा प्रिया से लव मैरिज की है। एटली की पत्नी कृष्णा प्रिया भी बेहद खूबसूरत है। प्रिया के सामने खूबसूरती में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी पीछे है। इतना ही नहीं, एटली कुमार और प्रिया का लव स्टोरी भी काफी फिल्मी है। एटली कुमार अपने 10 साल के करियर में 5 सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। एटली कुमार की डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए की कमाई कर इतिहास रच दिया है। एटली कुमार की असल जिंदगी की हीरोइन भी उन्हें अपने सिनेमा के पैशन के जरिए ही मिले थे। बता दें कि एटली कुमार अपने दोस्तों के साथ थे और उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस लड़की का नाम था कृष्णा प्रिया। प्रिया और एटली भी दोस्त बन गए। दोनों के बीच काफी मेल मुलाकातें चलती रही। प्रिया भी एक्ट्रेस थी और कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा था। इसके बाद दोनों डेट करने लगे। कुछ समय डेट करने के बाद प्रिया और एटली अपनी जिंदगी में मशगूल थे। प्रिया के पेरेंट्स उनकी शादी करवाना चाहते थे, इसके लिए लड़की की तलाश भी जोरों से चलने लगी। प्रिया को भी इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने एटली से इसका जिक्र किया। एटली के मन में प्रिया से शादी का ख्वाब पल रहा था। एटली ने मजाक में प्रिया को कहा कि क्यों ना मेरी कुंडली तुम्हारे घर वालों को दे दी जाए। इस बात से प्रिया भी चौंक गई और उन्होंने खुशी खुशी अपने घर वालों से बात की। एटली और प्रिया दोनों के घर वाले रिश्ते के लिए राजी हो गए। इसके बाद एटली और प्रिया ने 9 नवंबर 2014 को शादी कर ली। इसी साल एटली और प्रिया के घर में शादी के बाद नन्हा मेहमान भी आ गया है। प्रिया और एटली 2030 में एक बेटी के पेरेंट्स भी बन गए हैं। अब दोनों की जिंदगी बिल्कुल फिल्मी है। प्रिया और एटली के बीच खूब प्यार है और दोनों अपने फैंस के साथ फोटो भी शेयर करते रहते हैं। वेल दोस्तों, तो आपको एटली और प्रिया की जोड़ी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।